महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। सूत्रों की माने तो यूपी में भी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का कुनबा बढ़ने वाला है। जल्दी सुभाषपा एनडीए में शामिल हो सकती है और उन्हें यूपी कैबिनेट में जगह भी मिल सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सोमवार यानी 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। वो इन सब के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। बीजेपी की नजरें यूपी पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तो फिर यूपी को तरजीह दी जाएगी। केंद्र में यूपी कोटे में भी बदलाव तय है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को बेहद अहम माना जा रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में फिलहाल विस्तार की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। ऐसे में कुछ मंत्रियों को बाहर करने के बाद नए चेहरों को एंट्री दी जा सकती है। यूपी कोटे से अगर मंत्रियों की छटनी की जाती है तो फिर बीजेपी दलित, ओबीसी और ब्राह्मण चेहरे पर दांव चल सकती है। ऐसे में मौजूदा मंत्रियों के सिर पर खतरे की तलवार लटक रही है। उत्तर प्रदेश से महेंद्र नाथ पांडे, अजय मिश्र टेनी समेत 4 मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है। यूपी कोटे से संजीव बालियान का कद बढ़ाया जा सकता है। पांडे और टेनी का पत्ता कटता है तो उनकी जगह ब्राह्मणों को साधने के लिए लक्ष्मीकांत, वाजपेयी या हरीश द्विवेदी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वाजपेयी और द्विवेदी दोनों अभी राष्ट्रीय संगठन में कार्यरत है। बीजेपी में यूपी कोटे से पिछड़े वर्ग के कई चेहरे शामिल है। माना जा रहा है कि जातीय समीकरण को प्रभावित किए बिना चेहरा बदला जा सकता है। इसके अलावा किसी दलित चेहरे को जगह मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल ब्राह्मण चेहरों को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं की जा रही है। इन चेहरों में बदलाव किया गया तो फिर किसी युवा चेहरे को मौका दिया जा सकता है। आगामी चुनाव की तैयारी को देखते हुए मोदी 2.0 का यह अंतिम विस्तार है। लोकसभा चुनाव से पहले साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है नए बदलाव में इन राज्यों को भी हिस्सेदारी दी जा सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र शुरू होने से पहले ये बदलाव किए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।